नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। 2008 में शीला दीक्षित ने जब चुनाव जीता था तो वो पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीटें कम लेकर के आई थी, लेकिन फिर भी वो दिल्ली में चुनाव जीत गई थी और वो अपने कॉमनवेल्थ गेम की तैयारियों में लगी थी, दिल्ली को सजाने संवारने में लगी थी। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वो दिल्ली के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसी के साथ दिल्ली पर घोटाले का भी दाग लगा। दाग लगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में खूब घोटाला हुआ है और इसको लेकर के एक आदमी कोर्ट पहुंच गया। उस आदमी का नाम था अरविंद केजरीवाल। इन्हीं सब घोटालों को लेकर के अन्ना हजारे जैसे समाजसेवी ने दिल्ली में आंदोलन शुरू किया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। ये आंदोलन रामलीला मैदान से शुरू हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ ही प्रख्यात कवि कुमार विश्वास, वकील शांति भूषण, प्रशांत भूषण और इनके अलावा देश दुनिया के तमाम लोग जुड़ गए थे। ये आंदोलन लगातार चलता रहा, जन लोकपाल की मांग को लेकर के चलता रहा, लेकिन आंदोलन किसी नतीजे पर फाइनली नहीं पहुंच पाया। हालांकि इसने पूरी देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन आंदोलन फाइनली खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाया और 2012 आते आते अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन से अलग होकर के एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। और इसी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 15 साल से काबिज शीला दीक्षित को हरा दिया और उसकी जगह ले ली अरविंद केजरीवाल ने। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल IIT का पास आउट वो शख्स जिसने भारतीय प्रशासनिक सेवा पास की और दिल्ली में इनकम टैक्स का कमिश्नर बन गया था। साल था 2000। उसने कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी कि मुझे पढ़ाई करनी है। उन्हें छुट्टी मिल गई 2 साल की, करीब 2 साल के बाद जब वो वापस सर्विस ज्वाइन करने पर आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि अगले 2 साल करीब 18 महीने तक उन्हें कोई पद ज्वाइन नहीं करने दिया गया और इसके बाद उन्होंने फिर से पेड लीव मांगी। उनकी पेड लीव फिर से स्वीकृत हो गई थी, लेकिन 2006 आते आते अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अपनी नौकरी के दौरान ही उन्होंने एक NGO बनाया था परिवर्तन नाम का, जिसके सहारे वो सामाजिक काम करते थे, RTI लगाते थे और RTI जो अस्तित्व में आया उसको भी बनाने में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका थी। 2006 आते आते उन्होंने PDS में एक घोटाले को खोला, जिसके बाद उन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने 2010 में अन्ना आंदोलन से खुद को जोड़ा, अन्ना आंदोलन के साथ खड़े रहे और 2012 आते आते उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी, उसका सिंबल बना झाड़ू और इसके सहारे उन्होंने 15 साल से सत्ता पर काबिज शीला दीक्षित को हटाने की मुहिम शुरू की और उसमें वो कामयाब रहे। अरविंद केजरीवाल का करिश्मा ऐसा था कि उस समय 2013 में जब चुनाव हुए तो खुद शीला दीक्षित, जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी, वो अरविंद केजरीवाल के हाथों करीब 25,000 वोटों से चुनाव हार गईं और दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन उन्हें सरकार बनाने के लिए कुछ और विधायकों की जरूरत थी और उन्होंने कांग्रेस से समर्थन ले लिया था, लेकिन ये सरकार लंबी नहीं चली और 48 दिन के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। 2015 में दिल्ली में जब फिर से विधानसभा के चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथ में आई और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे। मनीष सिसोदिया को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और तब से लेकर अब तक 5 साल का वक्त बीत गया है। इन 5 सालों के दौरान आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता, जैसे कि योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, आशीष खेतान और आशुतोष जैसे नेता साथ छोड़ते चले गए हैं। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में डटे हुए हैं कि वो लगातार 3री बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकें। क्या वो लगातार 3री बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो पता 11 फरवरी को ही चलेगा, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल अपने नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल। ABP News आपको रखे आगे।